दरअसल रूस ने भारत को दे दिया है बड़ा ऑफर और कह दिया कि भारत अगर चाहे तो वो उसके स्पेस स्टेशन का हिस्सा बन। हालांकि चीन भी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि वो एक अहंकारी देश है और भारत रूस का ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते तो अमूमन ये कंडीशंस को रिलैक्स किया जाता, मगर इसलिए कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ख़राब हैं और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है, नो रिलैक्सेशन। तो सर हमारी तो हर चीज़ हम अमेरिका और सऊदी अरेबिया से बात करके करते हैं, तो क्या वहाँ से अमेरिका या उधर से कोई प्रेशर आ सकता है कि दोनों कंट्रीज आपस में टर्म्स ठीक करें हिंदुस्तान पाकिस्तान? इस पे भी इंडिया में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वेस्ट के अंदर भी शायद कोशिश है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। रूस ने अपना पहला स्पेस स्टेशन मीर के नाम से बनाया था, लेकिन वह अब कार्य करने लायक नहीं है। इसलिए रूस अब दूसरा स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। पहले वह चीन को शामिल करना चाहता था, लेकिन अब खबरों में यह बताया जा रहा है कि रूस ने चीन को निकालकर भारत को शामिल कर लिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आने वाले समय में जो स्पेस को नियंत्रित करेगा वही अब युद्ध में विजयी होगा। आइए आगे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल रूस ने भारत को दे दिया है बड़ा ऑफर और कह दिया कि भारत अगर चाहे तो वो उसके स्पेस स्टेशन का हिस्सा बन सकता है, और इसके साथ अगर भारत रूस का ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो रूस भारत के लिए डेडिकेटेड मॉड्यूल बनाएगा। अब जैसे ये खबर छपी वैसे ही दुनिया भर की मीडिया में भारत रूस की यारी के चर्चे फिर से होने लगे। बता दें रॉयटर्स समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की हालांकि चीन भी इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि वो एक अहंकारी देश है और भारत रूस का साथ दे सकता है जैसा वो हमेशा से देता आया। अब अगर बात रूस की करें तो रूसी ऑर्बिटल स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जिसका निर्माण 2032 तक पूरा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम सी पैक के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं उनकी फॉरेन जो उनकी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहां पर थमी हुई है। बिल्कुल अफगानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं, और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने एक क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्ज करें। वैसे भारत रूस की यारी की बात कर लें तो वैसे ये दुनिया ने देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भारत ने हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस की निंदा करने से परहेज किया। हालांकि भारत कई बार कह चुका है कि इस युद्ध को कूटनीति के जरिए हल किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रूसी आक्रमण की कभी खुले तौर पर आलोचना नहीं की। उन्होंने दोनों देशों के बीच के युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर बल दिया। खैर रूस ने भारत को ऑफर देकर एक बार फिर से दुनिया को एक झटके में समझा दिया कि भारत की यारी के लिए रूस कुछ भी करेगा, और भारत रूस की दोस्ती से जलने वाले देशों को भी साफ पता चल गया कि ये दोस्ती न तो कोई तोड़ सकता है और न ही किसी में इतना। तो सर हमारी तो हर चीज हम अमेरिका और सऊदी अरेबिया से बात करके करते हैं, तो क्या वहां से अमेरिका या उधर से कोई प्रेशर आ सकता है कि दोनों कंट्रीज आपस में टर्म्स ठीक करें हिंदुस्तान पाकिस्तान? इस पे भी इंडिया में एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वेस्ट के अंदर भी शायद कोशिश है कि ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। तो पाकिस्तान ने कभी यहाँ के लीडर जिना इंक्लूडेड हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था तोड़वा लिया, ये काहे के लिए बना है कोई क्लियर नहीं है, और वो आज तक चलता आ रहा है। सो इट ऑल बिगिंस विद जिना एंड नॉट लियाकत अली खान एज सम पीपल वुड लाइक टू बिलीव। ये टू नेशन थ्योरी की ही एक वो चीजें हैं कि यू कैन नेवर एक्सेप्ट कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं, चले हम मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, कल्चर वाइज सिविलाइजेशन वाइज ये मिलीजुली सिविलाइजेशन ही बनी थी, मुसलमान भी आए और फिर यहाँ के होके रह गए। हम क्या अरब हैं? हम जाए ना कोशिश करें अरबों को मनाना है, वो कहते हैं यार यू आर हिंदीज, अभी तक वो पाकिस्तानी कहते हैं। सो विच इज अ फैक्ट। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्या
इनकी कौन पढ़ाता है इनको, कौन इनको सिखाता है, कोई अकल की बात मैंने नहीं। तो ये कहां हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं जफर इलाली साहब, आपकी समझ में? अगर अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप्स ठीक होते तो अमूमन ये कंडीशंस को रिलैक्स किया जाता, मगर इसलिए कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ खराब हैं और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है, नो रिलैक्सेशन और हर चीज पे स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट एडियरेंस, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त इट इज बिगिनिंग टू पिंच और ये हमें इसको, जब हमने कोशिश की है पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरीके से उसे सेबोटाज कर दिया है। कारगिल इज वन, पठानकोट इज अनदर, और फिर आप भूल रही हैं 2008 में ये जो हम आप बता रहे हैं टेररिस्ट अटैक हो गया, ये पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है हिंदुस्तान से। अगर बिलावल भुट्टो कंटिन्यूस टू बी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है ना, कि वो किस बुनियाद पे जाके बात करेंगे इंडिया में। लेकिन सर छेड़खानी भी तो हमेशा हमने ही की है भारत की तरफ से, तो कभी भी नहीं की जी। मैं ये तो कह रहा हूँ छेड़खानी हमारी तरफ से होगी। तो दुनिया में पहला स्पेस स्टेशन मीर के नाम से सोवियत संघ ने बनाया था, लेकिन सोवियत संघ 1991 में टूट गया तो वह स्पेस स्टेशन रूस के नियंत्रण के अधीन आ गया और वह अब स्पेस स्टेशन उतना काम करने लायक नहीं रह गया है। इसके बाद रूस ने अमेरिका के साथ मिलकर और तीन और देशों के संयुक्त प्रयास से ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जो मीर से चार गुना बड़ा है। अभी हाल में ही चीन ने भी एक स्पेस स्टेशन बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसका स्पेस स्टेशन उस तरह का कार्यकारी या प्रभावी नहीं है। अब रूस अपना अकेले का एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है जिसमें वह पहले चीन को भागीदार बनाना चाहता था, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और चीन आपस में मिले हुए हैं, लेकिन रूस चीन की दादागिरी कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। सीमा विवाद के चलते दोनों देशों में यानी रूस और चीन में पहले लफड़ा झगड़ा हो चुका है, अभी रूस शांत है क्योंकि वह यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। दूसरे दोनों देश कम्युनिस्ट हैं, पहले चीन को रूस मुंह नहीं लगाता था तो फिर चीन अमेरिका की शरण में गया, लेकिन धीरे धीरे चीन ने जिस तरह से अपने को आर्थिक रूप से संपन्न कर लिया है अब वही रूस को आंखें दिखा रहा है। रूस केवल कड़वे घूंट पीकर रह गया है क्योंकि अभी पता है कि उसके हाथ दबे हुए हैं। अब रूस जो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है उसमें उसने भारत को शामिल करने की घोषणा की है और भारत को शामिल करने से भारत का स्पेस पावर बढ़ जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि अगला जो युद्ध होगा वह युद्ध में वही विजयी होगा जिसका स्पेस पर कब्जा होगा। जितने भी संचार के साधन हैं वे सारे स्पेस से नियंत्रित होते हैं, चाहे शांति काल हो या युद्ध का काल हो। स्पेस में जितने भी सेटेलाइट्स हैं संचार के साधन हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रूप्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, दुश्मन देश की सेना कहाँ ट्रूप्स रखी हुई है, कितनी कितनी मात्रा में ट्रूप्स हैं, उनके पास क्या संचार के साधन हैं, उनके पास कौन से हथियार है, वे इनका मूवमेंट क्या है, फिर सेटेलाइट्स को छोड़ना, एरोप्लेन की गति को निर्धारित करना, उनको देखना कि वे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बम डाल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हमको संचार के साधन जरूरी है। और कोई भी दुश्मन युद्ध देश जिसके पास स्पेस स्टेशन है वहाँ वह अपने व्यक्ति को बिठा सकता है और वहीं से नियंत्रण कर सकता है और दूसरे देश के सेटेलाइट्स को नष्ट कर सकता है। तो अगर चीन और भारत का कभी युद्ध हुआ और चीन ने जो अपना एक छोटा सा स्टेशन बना रखा है उस स्टेशन की कार्य क्षमता पर अभी तक पूरी दुनिया में प्रश्न चिन्ह खड़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि भविष्य में चीन इससे भी बेहतर बनाता है, उसके पहले ही भारत और रूस मिलकर अगर स्पेस स्टेशन बना लें तो फिर चीन के भी नाक में दम कर सकते हैं और चीन के संचार के साधन को ध्वस्त कर देंगे, तो फिर चीनी सेना पंगु हो जाएगी, लड़ने के काबिल ही नहीं रह पाएगी। और जहां तक रूस का सवाल है, उसने पहला अपने अकेले दम पर मीर नामक स्पेस स्टेशन बनाया और फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन रूस अमेरिका और तीनों देश मिलाकर अभी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना के रखे हुए हैं। इस स्पेस स्टेशन एक तरह से बड़ा सा एयरक्राफ्ट ही होता है और जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों के रहने की सुविधा होती है, वे वहाँ पर प्रयोग करते हैं, बिगड़े हुए सेटेलाइट को ठीक करते हैं और इस प्रकार लंबे समय से वहाँ रख सकते हैं। तो इस प्रकार स्पेस स्टेशन भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम,
स्पेस पावर के इतिहास में है। यही कारण है कि अब अमेरिका और फ्रांस जर्मनी जैसे विकसित देश भी अब भारत के इस बढ़ते हुए पावर से डरने लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।